कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे वर्मीसेली पुलाव या वर्मीसेली उपमा। एकदम इंस्टेंट बनता है, जैसे मैगी की तरह। तो आप मैगी न खाएं, ये वर्मीसेली उपमा बनाएं ढेर सारी सब्जियों के साथ, एकदम वेजीज। और इस टाइम तो वैसे भी सब्जियां खूब आ रही हैं, हरी सब्जियां। तो आप हरी सब्जियों के साथ ये वर्मीसेली उपमा बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। मैगी की जगह मैगी चाउमीन कुछ ना बनाएं। ये देखिए, ये मैंने एक कटोरी वर्मीसेली ली है। मैंने ये इस वाली कटोरी से ली है। और ये एक कटोरी मेरा कटा हुआ पत्ता गोभी है, ये एक टमाटर, ये एक छोटा सा प्याज, ये एक आधी गाजर छोटी बारीक कटी हुई, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, दो चम्मच के करीब। इसको मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया है, ठीक है। सारी सब्जियां मैंने ऐसे बड़े बड़ी काटी हैं, प्याज भी मैंने बड़ी बड़ी काटी है, जिससे ये खाने में आए अच्छे क्रंची टेस्ट दे, ठीक है। अब हम ये कुकर में बनाएंगे एकदम इंस्टेंट। तो कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। अब हम इसमें राई डालेंगे और हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। मैं इसमें मिर्ची भी नहीं डालूंगी, आप चाहें तो मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं मिर्ची नहीं डालूंगी। सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे और कितना टेस्ट आएगा आप इसमें देखिएगा। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा भूनेंगे, डाल दी। गाजर को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये शिमला मिर्च, आप इसमें सब्जियां अपनी पसंद से डाल सकते हैं, मटर डाल दीजिए, बीन्स, कलरफुल कैप्सिकम, मैंने ग्रीन वाली डाली है, आप चाहे तो रेड येलो भी डाल सकते हैं। टमाटर, अब हम ये पत्ता गोभी भी डाल देंगे। ये सारी सब्जियों के साथ टेस्टी टेस्टी और हेल्दी बनने से ही उपमा। ये भाई मेरी बेटी को मैं चाउमीन बोल के खिलाती हूँ इसको, वो बड़े मजे लेके खाती है। फिर मैं नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हल्दी डाल देंगे एक चौथाई छोटा चम्मच, मिक्स करिए। ज़्यादा हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, उनमें क्रंची क्रंची टेस्ट अच्छा लगेगा। अब ये वर्मीसेली डाल देंगे, फिर से मिक्स कीजिए। इसको ये देखिए, अब इसमें पानी डालेंगे। पानी का हम इसमें इतना डालेंगे जितने में हमारी ये वर्मीसेली डूब जाए, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए इतना पानी डालना है हमको इसमें, हमें इसमें इतना पानी डालना है जितने में ये डूब जाए। पर लगा के हम दो सीटी ले लेते हैं, नहीं तो एक ले लीजिए आप, बहुत सीटी आ गई है हमारी। हम खोल के देखते हैं, ये देखिए कितना सुंदर हमारा पुलाव दिख रहा है। इसको चला के देखते हैं, ये देखिए कितना एकदम खिला खिला बना है हमारा पुलाव। अरे हमारा वर्मीसेली उपमा या इंस्टेंट मैगी चाउमीन जो भी आप बोलें, एकदम हेल्दी ढेर सारी सब्जियों से भरा हुआ। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।